और ये जो बाप्तीस वाला चर्च है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं कितने टाइम में पहुँच सकते हैं। चलिए, छोटे छोटे घर है माइक है और ये ही है। तो मैं इस दुकान से पी रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं कहीं दूर, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा घूमने के जा रहे हैं। और बहुत दिनों से जब मैं इम्फाल में आया हूँ कहीं पे राइड नहीं किया हूँ, कुछ नहीं हुआ है। तो टुडे आई हैव गॉट रेंटेड बाइक और मैं इसके थ्रू से आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जाता हूँ पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल भरने के लिए, फिर आपको दिखाता हूँ कि कहाँ मैं जाता हूँ, क्या करता हूँ। चलिए, दिस इज़ द बाइक विच आई हैव टेकन। तो अभी पेट्रोल पंप चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। किले आए हो तो देखता हूँ कि बहुत बड़ा लंबा लाइन है, अभी थोड़ा भर के फिर निकलता हूँ राइड के लिए। चलिए, तो अभी मैंने पेट्रोल भर लिया है, टोटल 1000 का पेट्रोल भरा है। तो अभी सामने जाते हैं, तो जहाँ भी जाता हूँ मैं आपको सब दिखाता हूँ। चलिए, और जस्ट अभी मैं इम्फाल से निकला हूँ और इम्फाल से निकलने के थोड़ी देर बाद मेरे को रास्ता बहुत ही ज्यादा खाली मिल गया है, क्योंकि इम्फाल में बहुत ही ज्यादा भीड़ था और सुबह का टाइम है, वहां पे मार्केटिंग का टाइम है। क्योंकि इम्फाल जो बाजार है वो बाहर से लोग सुबह सुबह आते हैं बाजार करने के लिए और बाजार में चीजें बेचने के लिए। तो सामने जाके देखते चलिए। तो अभी हम सेकमाई पहुंच गए और ये जो दुकान है यहाँ से हम खा रहे हैं पूरी सब्जी, और ये देख सकते हैं पूरी सब्जी कुछ ऐसा है। तो हम यहाँ से खा रहे हैं और अभी जाएंगे सेकमाई की। तो अभी हम रास्ते में चल रहे थे मैं, तो इधर से जो रोड है वो सेकमाई जाता है, तो सोचा कि थोड़ा सेकमाई भी देख के आऊं, इतना दूर आ गया तो पहुंच गया हूं। देखिए इधर अभी तो कोई नहीं है, संडे पता नहीं क्यों, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद लोग आ जाएंगे, यहाँ पे पार्टी वगैरह होते हैं। और ये जो रोड है आप देख सकते हैं, आराम से आप गाड़ी या बाइक से क्रॉस कर सकते, उधर से जगह आराम से क्रॉस कर सकते। तो मैं अभी चलता हूँ यहाँ से, उधर देख सकते आप एक गाड़ी अपना रोड क्रॉस कर रहा है। सो ये जो सिकमा जगह है यहाँ पे मैं पहले भी आया था और ये रोड क्रॉस करके हमने पूरा पिकनिक वगैरह सब किया था। तो आज फिर से आ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गंदा है, क्योंकि रोड वगैरह क्रॉस करते हैं सामने कुछ ईंट के भट्टे हैं, तो रोड जो पानी है वो सामने और पहाड़ की तरफ जाने से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे गंदा है। तो सामने चलते हैं, चलो। तो हम अभी सिकमाई से निकल रहे हैं, तो चलो ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हैं कि एकदम रोड ही नहीं है, पत्थर ही पत्थर है। दूसरा बाइक होता तो बहुत ज़्यादा झटके लगते, लेकिन इसमें उतना फील नहीं होता। तो मिलते हैं सामने। अभी सिर्फ 10 या आधा घंटा ही हुआ था कि मैं वो वाला ब्रेकफास्ट किया, फिर से मेरे को भूख लग गया, तो फिर से मैं रुका हूँ, फिर से खा रहा हूँ। अभी मैं सिकमाई से निकल गया हूँ और मैं जा रहा हूँ कि माओ की तरफ, लेकिन मेरे को पता नहीं एक्चुअली कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और मेरे को आज ही लौटना पड़ेगा। और ये जो जगह आप देख रहे हैं एक मैतई का शहर नहीं है, नागा का शहर है, क्योंकि यहाँ पे घर वर सब कुछ अलग हो गए, उनका कल्चर अलग हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो बंद है, क्योंकि आज संडे है और लोग चर्च में गए। आपको ये देखिए जो पहाड़ दिख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, और यहाँ पे स्पीड भी बहुत ज़्यादा सही चला रहे हैं हम लोग, क्योंकि पूरा स्मूथ रोड है और हम लोग अभी भी वैली में हैं और मैं अभी भी पहाड़ में नहीं चढ़ा हूँ। जब पहाड़ में चढ़ूंगा तब देखते हैं कि कितना कवर अप कर पाते हैं, लेकिन अभी वैली में बहुत ही ज़्यादा सही स्पीड दे रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। वेदर भी बहुत ज़्यादा सही है, सब कुछ क्लियर है। और मेरे को इस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि अभी बारिश ना हो जाए, लेकिन भगवान की दुआ से अभी बारिश नहीं हो रहा है। तो चलिए सामने चलते हैं। देखिए सीधा रोड कंडीशन इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोड है, और रोड चले जा रहे हैं, और कुछ ही जगह ऐसा है, हर जगह बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रोड है। अभी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट 2 घंटा बाइक चलाने के बाद अभी रुका हूँ, क्योंकि पीछे बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है और थोड़ा खाने वाने का भी मन कर रहा है। तो अभी रुका हूँ यहाँ पे, दुकान वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे दुकान वगैरह है। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं, तो थोड़ा पी भी लेते हैं, और सूरज का भी ताप बहुत ही ज़्यादा है। तो जो भी सही जगह मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। पूरा रास्ता बहुत ज़्यादा सही है और जहाँ पे भी अच्छा सा व्यू निकलेगा, जहाँ पे भी जो भी होगा मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी, क्योंकि इतना सही जगह है ना कि हर जगह दिखाने का आप लोगों को मन करता है, लेकिन सब जगह तो दिखा नहीं सकते। तो चलिए जो भी अच्छा जगह होगा आपको दिखाऊँगा, श्योर फॉर श्योर।
और मैं इस दुकान से पी रहा हूँ जो भी है, ये रास्ते के बहुत ही पास है दुकान। और यहाँ पे ये जो बहन, इनको मैंने अपना सब्सक्राइबर बना दिया है तो चलिए दिखाते हैं कि नेक्स्ट कहाँ चलते हैं। तो ये जो वो वाला दुकान है, तो हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से और सामने जा रहे हैं, जो भी अच्छा व्यू होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए अब ये वाला जगह देखिए, कुछ देर चलते ही मेरे को ये जगह मिल गया, कितना ही ज़्यादा सही लग रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे घर है, बाइक है और यही है, इधर भी ऊपर जाके एक घर है। आप ये व्यू पूरा देख सकते हैं कि पीछे का व्यू बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है कि पहाड़ में वो नीचे पूरा वैली है और वहाँ पे एक नदी भी है जो बहुत ही साफ पानी लेता है, आप देख सकते हैं। और ये रोड के बहुत ही ज़्यादा पास है। हम अभी चलते चलते वहाँ से थोड़ा कितना 10 किलोमीटर आगे आएंगे, तो यहाँ पे एक नया गांव है, एक छोटा सा टाउन टाइप का है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना सही है। आप कहीं भी मेन रोड से किसी भी घर को देख सकते हो और एकदम ये विलेज एकदम टॉप में है और उधर सब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का ऑफिस है। और ये देख सकते हैं आउट का, और ये पीछे मार्केट लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना सही लग रहा है। तो फाइनली मैं अभी माओ पहुंच गया, आप देख सकते हैं। तो अभी जाता हूँ कोहिमा का जो नागालैंड का बॉर्डर है वहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ क्या हाल है वहाँ का। चलिए तो हम अभी पहुंच गए हैं नागालैंड का जो बॉर्डर है उधर, वो साइड जो आप देख रहे पुलिस चेक, उधर है नागालैंड, ये है मणिपुर, और इधर से ज़्यादा नहीं ऑलमोस्ट लाइक 20-30 किलोमीटर बाद है कोहिमा। तो देख सकते हैं कि कितना सही, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर कोहिमा दिखाता आप लोगों को, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं कि सामने क्या क्या होता है आपको मैं ज़रूर दिखाता हूँ। और यहाँ पे माओ में थोड़ा घूम लेता हूँ माओ में कि क्या क्या है, कोई कोई जगह मेरे को पता है तो वो जगह देखता हूँ। चलिए तो अभी उधर जाने का तो कोई प्लान नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं है, आईएलपी भी नहीं है, आईएलपी तो हमको नहीं चाहिए, फिर भी बाइक है उसको लेकर हम इंटरस्टेट ट्रेवल नहीं कर सकते। तो अभी चलते हैं एक पुनानामा विलेज है, वहाँ का बप्टिस्ट चर्च है, वहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा सही लगता है, वहाँ पे चलते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे पोटैटो रिसर्च फार्म है वहाँ पे चलेंगे। तो चलिए यहाँ से निकल जाते हैं। और ये जो बप्टिस्ट वाला चर्च है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं कितने टाइम में पहुँच सकते हैं। चलिए जो पुनानामा विलेज है मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ अभी, ये देख सकते हैं रास्ता, ये रास्ता कुछ ऐसा है जो मेरे को चर्च तक ले जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए चलते हैं, जो चर्च होगा वहाँ पे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा व्यू वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे मेरा बाइक रखा है ऊपर, एकदम नीचे से आए हम लोग, बहुत ही टफ रोड था। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं जो वहाँ पे व्यू पॉइंट है, का फ्लैग लगा हुआ है और दिस इज़ पुनानामा बप्टिस्ट चर्च जो है वो है चर्च, आप देख सकते हैं। और ये स्क्वाश का पेड़ है, चलिए ऊपर चलते हैं। बाइक नीचे रखा हुआ है, ऊपर जाकर देखते हैं कि व्यू कैसा है। चलिए जस्ट लुक एट द व्यू, हर शहर यहाँ से दिख रहा है। वो है ये जो जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये सीधा ये है सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ है। और उधर दूर एक शहर दिखाई दे रहा है दरवान, वो पता नहीं कौन सा शहर होगा लेकिन बहुत ही सही लग रहा है, देख सकते हैं। यहाँ का हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, एवरीथिंग इज़ सो चिलिंग आफ्टर दिस व्यू, तो एवरीथिंग इज़ कोल्ड। देखिए कितना सही है, ऐसा लग रहा है कि इधर से मत कहीं मत जाओ, इधर ही बैठे रहो, सिर्फ देखो और एक्सप्लोर करो जगह को। सो अभी मैंने एक लोकल से पूछा था, वो जो आपको शहर दिख रहा है दैट इज़ कोहिमा, कितना पास है कोहिमा, लेकिन अब जा नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है और अभी जाने का परमिशन भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि हम कोहिमा जाके आए, लाइक इट्स अ वेरी बिग सिटी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ नागालैंड एंड दिस इज़ द बॉर्डरिंग सिटी ऑफ मणिपुर, उसके बाद कोहिमा आएगा। तो देख सकते हैं व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से, और ये ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट। तो अभी जो ये व्यू पॉइंट है पुनानामा विलेज का, मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे, नीचे जाके माओ जो मेन टाउन है वहाँ पर थोड़ा खाना वाना खाऊँगा, फिर इम्फाल के लिए निकल जाएंगे। तो चलो नीचे चलते हैं। आप ये देख सकते हैं माओ भी पूरा बंद है क्योंकि हम संडे को आए,
पूरा बंद है। और अभी एक रोटी की दुकान में हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे 3 रोटी ₹50 का, तो खा के फिर निकलते हैं इम्फाल की तरफ। चलिए आपको दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये कुछ रोटियाँ, 1-2-3 रोटी है और एक सब्ज़ी है, उसका दाम है 50 रुपीज़। तो खाना ठीक ठाक है, आप खा सकते हैं आपको खाने से। तो अभी हम खा के इधर से निकल जाएंगे। तो मैंने तो खाना वाना भी खा लिया, अब चलता हूँ इम्फाल की तरफ। ये था वो होटल, और यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे होटल हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज टुडे बिकॉज इट्स संडे और उनका चर्च में जाना पड़ता है क्रिश्चियन लोगों का, और यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। तो चलते हैं इम्फाल की तरफ, देखते हैं कितने टाइम में हम पहुँच सकते हैं इम्फाल। उससे जब आएंगे तब यहाँ पे बहुत सारे दुकान दिखेंगे। सो अब मैंने अभी 1 किलो वॉलनट खरीदा है, सो विच जस्ट कॉस्ट मी 50 रुपीज़। और यहाँ पे कीवी भी ले सकते हैं आप लोग, जो 150 रुपीज़ का है सिर्फ कीवी, देख सकते हो। वॉलनट मेरे को 1 kg पूरा 50 रुपीज़ में मिला है, इतने मिला। और मैं कीवी लेने वाला था, लेकिन 1 kg तो अभी बाइक में कहाँ पे लेके जाऊँ, तो इसलिए कुछ नहीं ले रहा हूँ। इनके पास ग्राम के हिसाब से जो वेट का वो होता है, भट्टा होता है, वो नहीं है, तो अभी यही ले जाता हूँ 1 kg वॉलनट। चलिए, और हम रास्ते से जा रहे थे तो अभी मेरे को एक झरना टाइप का मिला है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साफ पानी आप देख सकते हो, और थोड़ी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, अब पूरा रिफ्रेशिंग सा लग रहा है पानी। इतने टाइम से गर्मी में बाइक चला रहा था, तो पूरा रास्ते में इतना धूल मिट्टी था, तो पूरा धूल मिट्टी हो गया, अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है। तो चलो सामने चलते हैं, मुँह वो धो लिया। सो अभी मैं पहुंच गया हूँ हॉस्टल में, और मेरे को टोटल लगे, मैं माओ से निकला था 1 बजे और मैं इम्फाल पूरा अपने कॉलेज में आ गया हूँ 4 बजे। तो ट्रिप बहुत ही ज़्यादा सही था, बहुत ही अच्छा था। कुछ कुछ जगह पे रोड थोड़े ख़राब थे, लेकिन कुछ कुछ जगह पे रोड बहुत ही अच्छे थे। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट मच गुड रोड, बट बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि पहाड़ों में मेरे को भी पता है, मैं भी पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो पता है कि पहाड़ में उतना ईजी नहीं होता रोड को बनाना और उसको मेनटेन करना। सो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। और एक डिटेल्स मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैंने बाइक रेंट लिया था उसका 24 घंटे का जो हिसाब होता है वो होता है 1800 रुपये का, और अब अगर आवरली लेंगे तो आपको पड़ेगा 180 रुपये आवरली। और जो बाइक रेंटल है वो आप बाइक रेंटल सिनिफर में सर्च करेंगे तो एक ही बाइक रेंटल का शॉप मिलेगा, तो आप वही से ले सकते हैं। और वो लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भैया भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सो आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। If you like my blog, please don't forget to subscribe and like the video. Thank you.